दुनिया का एक ऐसा गांव जहां ठंडियों में नहीं पहुंचती थी धूप, तो बना लिया अपना सूरज। और अचानक ऐसा क्या हुआ जब बिल्डिंग से होने लगी नोटों की बारिश। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पेड़ सैंडे उगाए जाते हैं, यह जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, दोस्तों धरती पर ऐसे भी इंसान है जो अजीब गरीब वजहों के नाम से जाने जाते हैं, और सबसे खास बात तो ये है कि इनमें से बहुत सारे लोगों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ऐसे ही एक इंसान है जो फ्रांस का रहने वाला मिशेल लोटिटो था, जो अजीबो गरीब चीजें खाने के लिए जाना जाता था। वह एक ऐसा था जो पूरा का पूरा हवाई जहाज ही खा जाया करता था। बताया जाता है कि लोटिटो जब 16 साल का था तभी से वो असामान्य चीजें खाने लगा था। इस बीमारी को मेडिकल भाषा में पीक कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लोग इंसानी खाना को पचा नहीं पाते, जबकि असामान्य चीजें खाकर आसानी से पचा लेते हैं। शुरुआती में लोटिटो अपने नाखून से लेकर कांच के टुकड़े तक खा जाता था और उसे आसानी से पचा भी लेता था। नंबर 9, चीन के एक आदमी ने कोको कोला की 2 लीटर की बोतल को 10 सेकंड में पीने की कोशिश की थी और उसने पी भी ली थी, लेकिन पीने के कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज्यादा गैस बन गई थी। नंबर 8, अमेरिका में एक ऐसा समुदाय रहता है जिसमें शादी से पहले लड़के को अपनी मर्दानगी का सबूत देना होता है। इसके लिए उसे 120 वोल्ट बिजली का झटका खाना पड़ता है, और अगर लड़का झटका सहन नहीं कर पाता है तो उसे नामर्द माना जाता है। तो क्या आप इस समुदाय में रहना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। नंबर 7, रोशनी और धूप जिंदगी है, इसके बिना जीवन बहुत ही अटपटा लगता है। इंसानी शरीर क्या, पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी धूप से ज्यादा दिन की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी से उत्तरी इटली में पाइमोंट घाटी में एक गांव में सर्दियों में धूप के लिए अपना सूरज बना लिया। वो गांव जहां सूरज की रोशनी चाहते थे, और उसकी इसी चाह के बदौलत इस छोटे गांव में एक कृत्रिम सूरज मिला जिसकी रोशनी से ये दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। नंबर 6, यदि कोई अच्छा डॉक्टर किसी स्वास्थ्य व्यक्ति से कह दे कि आप बीमार होने वाले हैं और आप में बीमारियों के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति सच में बीमार हो जाएगा। वो बीमार इसलिए होगा क्योंकि उसने विश्वास कर लिया है कि उसे बीमारी है, और इसे नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। जैसे हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में होने वाली घटनाएं हमारे दिमाग तक पहुंचाती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। नंबर 5, एप्पल प्रोडक्ट्स की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दरअसल ताइवान का रहने वाले एक आदमी का आईफोन एक झील में गिर गया था, और ठीक एक साल बाद झील सूख जाने के बाद अपना फोन दोबारा मिल गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक साल फोन पानी में रहने के बाद भी उसका फोन चार्ज करते ही नॉर्मल जैसा चलने लगा। नंबर 4, आपने देखा होगा कि रसोई घर में लगे एलपीजी गैस सिलेंडर के नीचे कुछ छेद होते हैं जिसके ऊपर सिलेंडर का पूरा भार होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम बताते हैं। दरअसल गैस का तापमान को नियंत्रित करने के लिए इन छेदों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गैस सिलेंडर का तापमान काफी बढ़ जाता है, ऐसे में इस छेद से हवा पास होती है, साथ में यह सिलेंडर की सतह को गर्मी से बचाता है। कुल मिला जुला कर कहें तो छेद गैस सिलेंडर को एक्सीडेंट होने से बचाती है। नंबर 3, दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना मेहनत करके अमीर बनना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक बंदा नोटों की गड्डी को हवा में फेंक रहा है, और नोटों को उठाने के लिए जमीन पर लोगों की भारी भीड़ लगी है। अब ये वीडियो कब का है और कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम ये पुष्टि नहीं करते कि ये बिल्डिंग से गिर रहे नोटों असली हैं या नकली, इसका कोई अभी तक पता नहीं चला है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास 2 आंखें हैं तो हम केवल एक ही चीज को क्यों देख पाते हैं? हम बताते हैं। दरअसल हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि ब्रेन की वजह से देखते हैं। दोनों आंखें एक साथ एक ही वस्तु पर टारगेट करती है, लेकिन दोनों आंखें इसकी अलग अलग छवियां बनाती हैं जो धुंधली होती हैं, और हमारा ब्रेन इन दोनों छवियों को मिलाकर एक करता है, इसलिए हम 2 आंखों से एक ही पिक्चर देखते हैं। नंबर 1, हम सब जानते हैं कि अंडे केवल पक्षी ही देते हैं, लेकिन क्या होगा अगर अंडे पेड़ पर उगने लगे, तब आप क्या कहेंगे? आज हम आपको ऐसे अंडे के बारे में बताने जा रहे हैं जो पेड़ पर उगते हैं, और ये अंडा मुर्गी के अंडे जैसा ही होता है। इस अंडे को रियल एग जैसे ही पीली जर्दी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस अंडे को निर्मित करने के लिए वनस्पति तेल या जेल का उपयोग किया गया है। इस प्रकार से पेड़ पर तैयार यह शाकाहारी अंडा अब जल्दी ही आपको बाजारों में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।